सकें। मैं सारी जिंदगी मेरी तकरीर च कोई बंदा नहीं कह सकता मैं किसी काफिर की तारीफ की हो या उन्होंने मुल्क की तारीफ की हो या उन्होंने रोटियां की तारीफ की हो या उन्होंने सड़कों की तारीफ की हो। मेरी तकरीर में कोई नहीं कह सकता मैं आज तक किसी काफिर को मुतासर नहीं होया। हाँ रसूलुल्लाह दी उस मुबारक ऊंटनी दे पेशाब तो जरूर मुतासर होया जिन्हें रसूलुल्लाह नूं उठा के काबे दा तवाफ करवाया। हाँ जी मैं बिल्कुल है तुहाडे सामने गल मेरी तकरीर में कोई बंदा लियाएगा तो मैं उहदी कफारा भी अदा करांगा। काफरों की तारीफ फलां काफिर ये कहता है फलां अंग्रेज ये कहता है फलां अंग्रेज ये कहता है मैं तो अंग्रेजों की बात करता है ये बता सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं क्या जी हजरत उमर क्या कहते हैं उस्मान गनी क्या कहते हैं हैदर करार क्या कहते हैं अबू हुरैरा क्या कहते हैं बिलाल क्या कहते हैं क्यों जी। अब हम दलील देने लगा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का चल रहे हजरत उमर के पुत्र इन्होंने पुत्र का नाम से बिलाल। एक शायर आया इब्ने माजा शरीफ की हदीस है एक शायर आया तुम पता है शायर जबान की कमाई खाते हैं शायर वो कहने लगा बिलाल अपनो अब्दुल्लाह खैर बिलाल उनके वाह जी वाह अब्दुल्ला बिन उमर का पुत्र उमर का पोतरा इसकी क्या ही बात है और बड़ी शायब जी इधर उमर का पुत्र पोतरा भी है अब्दुल्ला बिन उमर का पुत्र भी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगा कज़ब था फरमाया कूड़ न मार झूठ न मार लाबल बिलाल रसूलुल्लाह खैर बिलाल उस बिलाल की बात कर जो मोहम्मद अरबी का गुलाम था हमारी बात क्यों करता अपने अपने पुत्र की तारीफ भी नहीं सुनी फरमाया उस बिलाल की बात कर जो मोहम्मद अरबी का मौज़िन था उसकी बात कर। मैं इसे काफरों की तारीफा करके फलां अंग्रेज ने हुजूर के बारे में लिखा अंग्रेज हुजूर के बारे गल लिखी तो फिर हुजूर की शान इहदे नाल वध गई हद हो गई तेरी बात होते कहां खलीलो बिना काबा मिना लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है और मौला ऐसे गल कर कि होवन हैदर करार ते नमाज दे असरार और रमूज तो भी वाकिफ होवन ते दीगरी दी नमाज दी अहमियत तो भी वाकिफ होवन और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज इत्थे गल कर हां अली होवन ते हुजूर दी नींद उते नमाज वार दे ना इत्थे गल कर अली ते फिर नमाज असर होवे ते फिर अली होवन ते फिर इंज भी ना करन ताकि हुजूर जाग पर मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है सब तो बड़ा फर्ज ते जान बचाना है ना सिद्दीक अकबर वो भी दे दिता इन्हें क्या नमाज दे दी उन्हें जान दे दी हां तूने इन्हें जान दी इन्हें फेर दी नमाज पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू है असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वाली मैं आज तक की वजाहत नहीं की थी असलुल उसूल बंदगी मैं करा लग जाना जनाब सारी दुनिया के छक्के छोड़ जाओ इस लफ्ज़ दी इमाम अहमद असलुल उसूल बंदगी उस्ताद असलुल उसूल सब तो वड्डा जड़ा उसूलों में भी सब तो वड्डा असल के सारे फर्जा में सब तो वड्डा फर्ज जड़ा वह हजूर न खुश करना इस वास्ते मौला अली नमाज वार दी सिद्दीक अकबर जान वार दी हजरत कतादा अख अगे कर दी मैदान तीर आ रहा गुमनाम फरमाते टाइम कोई नहीं सी एक सैकंड का ही फर्क सी मैं हाथ करता तो मुमकिन है तीन तीर हजूर वाल चला जाता उन्हें मुंह अगे कर दिता आप दी अख निकल गई ऐ कोई समझो इस नामूस रिसालत के असास मसले नूं कोई समझो असा एवें तुहाडे नाल नहीं लगे हुए ते ना असीं कोई वोटां वास्ते तुहाडे कोल पै फिरने आ ए नहीं दसते निकलिया लुकद लुकद थोड़ा तीर को खुफिया आके कोई तीर लग गया फरमाने मैं खुद मुंह अगे कीता हां मैं क्या कहने नहीं मैं क्या मेरा हाथ उठन तक जो तीर हजूर तक चला गया तो क्यामत तक लोग कहना ओए अबू ओ कतादा और तू मुंह बचा दे रहा तू मुंह अगे क्यों नहीं कीता और केड़ा भार आ जेड़ा नहीं चाया सहाबा ने हाँ दस्यो जेड़ा भार कोई दुनिया का भार लियाओ जेड़ा सहाबा नहीं चुकया अपने मोढ़े दे हुजूर दी सत ना जान मुंह अगे कीता अगे मुंह कर दे हां जी ये आखिरी तो मुंह ही होंदा ना गल करनी तो बड़ी आसान होंदी है